कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारा काम है और अभी कल परसों 2 दिन की छुट्टी है। मैंने सोचा चलो अपने रूम का भी काम कर लेती हूँ ताकि 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर सकूँगी। तो मैं कर रही हूँ अपना बिस्तर वगैरह सेट, क्योंकि ये बेडशीट हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी, तो मैंने इसको हटा दिया है। ये रखी है बेडशीट और मैं जल्दी से कर लेती हूँ साफ़ सफ़ाई। यहाँ बिस्तर बिस्तर जल्दी से सेट कर देती हूँ और फिर मैं करूँगी काम, क्योंकि खाना पीना बनाना, पढ़ाई करना, ऑफिस जाना, कोचिंग जाना, बहुत सारे काम होते हैं। फिर मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है कि डेली में कोई काम कर सकूँ। अच्छा, भी मैं डेली में लगाती हूँ, 2-3 दिन में लगाती हूँ और इतना गंदा भी नहीं होता है। सुबह चली जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बस पड़ोसन की लड़की आती है, वो भी खैर गंदा नहीं करती है, थोड़ा सा तंग कर देती है, लेकिन ध्यान भी वो बहुत रखती है, बहुत प्यार सा करने लगी है उससे। कभी मैं सो जाऊँगी तो कहेगी दीदी दाल चावल ले आऊँ, बहुत प्यार करने लगी। मुझे भी उससे एक अटैचमेंट सा हो गया है, अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं अब जल्दी से सेट कर लेती हूँ बिस्तर वगैरह। तो फ्रेंड्स देखिए, बिस्तर मैंने सेट कर दिया है और बस इसका पिलो का कवर भी चेंज कर देती हूँ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा नमूना सा ब्लैंकेट है जिसको अभी भी मुझे यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज सुबह टाइम जब सर्दी लगती है तो फिर यूज़ करना पड़ता है उसको। ये मैं इसका पिलो का कवर चेंज कर देती हूँ ताकि मेरा जल्दी से बेडशीट और पिलो का कवर मैचिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ बेडशीट कर दी है चेंज, अब पिलो का कवर भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको भी काफ़ी टाइम, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जब से मैं इसको यूज़ कर रही थी, अब ये हो गई है गंदी। वैसे भी इसका कलर ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कि गंदी हो गई है कि इसका कलर ही ऐसा है, बट अब जल्दी से इसको कर देती हूँ। जब मैंने ये मंगाई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बेडशीट और ये पिलो का कवर दोनों यूज़ किए, बढ़िया पिंक सा रूम में लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, एक ऐसे लग रहा था कि मैं किसी और के रूम में आ गई। तो मैंने कर दिया है डन, कर दिया है जल्दी से बेडशीट और पिलो का कवर भी चेंज। अब मुझे पिलो भी बहुत प्यारा सा लग रहा है, इस कवर को भी वॉश कर देती हूँ। ये रही मेरी बेडशीट, और आज कूलर भी साफ़ करना है क्योंकि इसका भी पानी गंदा सा हो गया है, साफ़ कर दूँगी। दिल को करार आया ये हवा खा के। ये भी कपड़े आयरन करके रखती है। अब मुझे बनाना है खाना, फिर जाना है ऑफिस, कॉलेज ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है, और फिर शाम को आके करनी है पढ़ाई। लाइफ बहुत ही अस्त व्यस्त है, कि हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, मेरी भी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। कल रात को दीदी का कॉल आया, कल रात को लगभग 11 बजे दीदी का कॉल आया और मैं सो गई थी। तो नींद में तो ऐसे होता है, कभी कोई कुछ बात बोल रहा है और हमें तो नींद के मारे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे लगता बस सोते ही रहें, आराम से सो जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। बट दीदी ने कॉल किया तो दीदी कुछ काम का कह रही थी, कुछ उनको काम था, तो फिर कह रही हैं तुम तो कॉल करती नहीं हो आजकल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए, और इतने दिन तक तो हम लोग बिना बात किए रहते ही नहीं हैं, और जब भी बात करते हैं घंटों घंटों बात करती रहती हैं, क्योंकि सारी पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, सब लोगों की बातें कर लेंगे, फिर रखते हैं फ़ोन कि अब क्या कर रही थी। बहुत सारी बात हो, कलेक्शन हो गया था, मिला तो अभी मैं आज कल कम बोल रही हूँ, बहुत सारी दीदी को कॉल कर दिया मैंने, दीदी को थोड़ा सा ठीक है ठीक है क्या ठीक है ठीक है उसमें बात कर रही हूँ क्या बात ठीक है। तो अब आज करती हूँ दीदी से बात, क्या कहती है क्या उनकी शिकायत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लोग अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।